meditation, let us turn to Psalms 110 and read the third verse. हमारे ध्यान के लिए भजन संहिता 110 का तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे. तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं. तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of morning. Thou hast the dew of thy youth. And read 1 Peter chapter 1 verse 5 in English. This is verse 5. पहला पत्रस पहला अध्याय के पांचवें वचन भी हम पढ़ेंगे. First read in English and then पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसके बाद हिंदी. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. यहाँ भजन संहिता वाला ऐसा कहता है, तेरा प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन में स्वेच्छ बलि बनाते हैं. सेंट पीटर सेज दैट इन द कैलकुलेशन ऑफ द लॉर्ड वन डे इज इक्वल टू 1000 इयर्स एंड 1000 इयर्स इक्वल टू वन डे. पत्रस अपने पत्रिका में लिखता है कि प्रभु के लेख के अनुसार परमेश्वर की नजर में हजार दिन एक दिन के बराबर है. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. एंड इवन इन द बुक ऑफ जेनेसिस वी रीड द लॉर्ड टोल्ड टू एडम, इफ यू ईट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट द डे दैट यू ईट यू शैल डाई. उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर आदम को देखकर कहता है, जो इंकार किया हुआ उस वृक्ष के फल को जब तू खाओगे तब तू जरूर निश्चय मरोगे. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज एडम कुड नॉट लिव फॉर 1000 इयर्स. 930 इयर्स ही लिव्ड एंड ही डाइड. ये बात सच है, जब उस वृक्ष के फल को आदम ने खाया वो हजार साल तक जीवित नहीं रहा, 930वां साल उसका मृत्यु हो गया. सो गॉड्स कैलकुलेशन इज वेरी परफेक्ट. हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो लेख है उसका गिनती है, वो अपनी गिनती में हर वक्त वो सिद्धता के साथ पाया जाएगा. इन द वर्ड ऑफ गॉड वी रीड अबाउट मेनी डेज. परमेश्वर के वचन में हम कई बातों के बारे में पढ़ सकते हैं. मेनी डेज हम परमेश्वर के वचन में कई दिन के बारे में पढ़ सकते हैं. वी रीड अबाउट द सैबथ डे. वहाँ हम सब्बत के दिन के बारे में पढ़ते हैं. वी रीड अबाउट द लॉर्ड्स डे. वहाँ हम आखिरी दिन के बारे में पढ़ते हैं. वी रीड अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड. वहाँ हम परमेश्वर के दिन के बारे में पढ़ते हैं. वी रीड अबाउट द डे ऑफ क्राइस्ट. वहाँ हम मसीह के दिन के बारे में पढ़ते हैं. एंड वी रीड इन साम्स दैट दिस डे द लॉर्ड हैज मेड फॉर यू. वहाँ वचन संहिता वाला भी कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. द सैबथ डे इज द डे इन विच आफ्टर क्रिएटिंग ऑल थिंग्स गॉड रेस्टेड, दैट इज कॉल्ड द सैबथ डे, दैट इज वन डे. सब्बत के दिन जब प्रभु ने सारे बातों को सिरजाया तब प्रभु ने विश्राम किया, वही सब्बत का दिन करके हम देख सकते हैं. एंड द लॉर्ड्स डे इज द डे दैट इज इन द फर्स्ट इन द न्यू टेस्टामेंट इट इज कॉल्ड द डे व्हेन दे गैदर टुगेदर, दैट इज द डे ऑफ रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु का दिन जब हफ्ते के पहला दिन हम इकट्ठा होते हैं वो परमेश्वर का दिन है, जब पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह को आराधना करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं. बट द डे ऑफ द लॉर्ड इज नॉट जस्ट वन डे. लेकिन परमेश्वर का दिन जो है वो एक दिन नहीं. And the day of Christ is not also one day. मसीह का दिन भी वो प्रत्येक एक दिन को नहीं दिखाता है. The day of Christ is the day of the rapture, the moment of the rapture. मसीह का दिन कहने पर वो पुनरुत्थान का दिन है, नहीं तो हमें उठा लिया जाने वाला उस दिन है. The day of Christ means that twinkling of a night, that moment is called the day of Christ. मसीह का दिन कहने पर वो पलक झपकी मारते ही या पलक झपकी मारते ही हम उठा लिए जाने वाले उस दिन को दिखाता है. सेंट पॉल सेज दैट वी मस्ट बी ऑल रेडी फॉर द डे ऑफ क्राइस्ट. संत पौलुस ऐसा कहता है, हम हरेक को उस मसीह के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करना है. डे ऑफ क्राइस्ट इज जस्ट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. इट इज नॉट 24 आवर्स और इट इज नॉट सम लॉन्ग डेज एज दैट ऑफ 1000 इयर्स, बट इट इज जस्ट अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. मसीह का दिन कहने पर वो पलक झपकी मारते ही वो केवल 24 घंटा को नहीं दिखाता या कई सालों को नहीं दिखाता, पलक झपकी मारते ही वो समय वो मसीह का दिन को दिखाता है. एंड द चर्च ऑफ गॉड एंड द चीफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, दे आर वेटिंग फॉर द डे ऑफ क्राइस्ट. जो परमेश्वर कलीसिया है
जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं वो मसीह के दिन के लिए तैयारी के साथ पाए जाने वाली झुंड है. But at the same time we read in the word of God about the day of the Lord. उसी समय में हम परमेश्वर के वचन में प्रभु के दिन के बारे में पढ़ सकते हैं. And this day of the Lord is not one day. यहाँ परमेश्वर का दिन जो है वो प्रत्येक एक दिन को नहीं दिखाता है. This day of the Lord stands for this 7 years period of tribulation that is going to take place after the rapture of the church of God or the chosen ones or the bride of Christ. परमेश्वर का दिन कहने पर वो 7 दिन के क्लेश के समय को दिखाता जब कलीसिया प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा उसके पश्चात आने वाले उस 7 दिन के क्लेशों के समय को दिखाता है. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. तेरे सामर्थ के दिन पर तेरे लोग इच्छा से होंगे. सो द डे ऑफ द पावर इज नॉट गोइंग टू बी वन डे. परमेश्वर का वो सामर्थ का दिन जो है वो प्रत्येक एक दिन नहीं हो सकता. एंड सेंट पीटर सेज दैट वी मस्ट बी केप्ट बाय द पावर ऑफ गॉड. यहाँ पत्रस कहता है हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा रखवाली करना चाहिए. सो पावर ऑफ गॉड शुड वर्क इन अ चाइल्ड ऑफ गॉड्स लाइफ दैट चाइल्ड ऑफ गॉड विल बी रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड फॉर द एंड सॉल्वेशन. जब परमेश्वर का सामर्थ एक परमेश्वर के बच्चे के अंदर निवास करेगा तभी आखिरी उद्धार में वो शामिल हो पाएगा. The power of the day is not just one day. Day of power of the Lord is not just one day. ये परमेश्वर का वो सामर्थ का दिन जो है वो प्रत्येक एक दिन को नहीं दिखाता है. It starts in a child of God's life when a person is saved. The day of the power of the Lord starts in a child of God's life when he got saved. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में उद्धार को अनुभव करता है उस दिन से लेकर परमेश्वर का दिन वो सामर्थ का दिन उसके जीवन में प्रारंभ होता And है. It ends when the child sleeps in the Lord or when the coming of the Lord takes place. और ये दिन उस दिन समाप्त होगा जब वो मसीह में सो जाता है नहीं तो प्रभु के आगमन में वो उठा लिया जाएगा. So this day of the power is not for every born Christians. ये परमेश्वर का वो सामर्थ्य दिन जो है वो हर एक मसीहों के लिए ठहराया हुआ नहीं है. So every Christian cannot come into this day of power of the Lord. ये परमेश्वर के सामर्थ के दिन में सारे मसीह लोग उसके भीतर नहीं आ पाएंगे. So here Psalm is telling, in the day of the power, thy people shall be willing. यहाँ भजन लिखने वाला कहता है तेरे प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन में वो स्वेच्छा बलि बनते हैं. So from this we can find that in a person's life the power of God has to continuously operate. यहाँ इसके द्वारा ये जान सकते हैं कि ये परमेश्वर के जन के ये परमेश्वर के बच्चा के भीतर उसके अंदर एक सामर्थ्य कार्यशील होकर रहना चाहिए. That is the power of God should operate in a child of God's life continuously. उसके जीवन में निरंतर परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में कार्यशील रहना है. So when the power of God operates, the power of God does the work of transformation in the child of God's life. Or in a person who has accepted the Lord as Savior, it continuously works in his life so that that person will be ready for the coming of the Lord. जब ये सामर्थ्य उसके भीतर कार्यशील होकर रहेगा तभी उसके जीवन में प्रभु के आगमन में तैयार होने के उस दिन तक उसके जीवन में एक रूपांतर का काम करता ही रहेगा. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. So every child of God who has accepted the Lord as Savior should come to that standard to be ready for the day of Christ and not for the day of the Lord. यहाँ जो कोई परमेश्वर के बच्चे जिसे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर ग्रहण किया है वे परमेश्वर के दिन के लिए नहीं बल्कि मसीह के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है. So always we must have this understanding that I must be ready for the twinkling of an eye moment. हर वक्त हमारे अंदर एक समझ होना कि हम कैसा भी पलक झपकि मारने वाले उस समय के लिए हम अपने आप को तैयार रखना है. That is why Saint Peter is telling that we must be kept by the power of God. इसीलिए पत्रस कहता है हम उसके सामर्थ्य के उस दिन के द्वारा हम रखवाली किया जाना चाहिए. So power of God, how it operates in a child of God and how the Lord reveals his power in our life. कैसा परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभु बेचता है नहीं तो काम करता है.
So we have to come unto the, into the power of God. हम कैसा भी परमेश्वर के उस सामर्थ के आंधी में माना चाहिए. How it starts and how it works, that is what I want to place before you this evening. कैसा उसका सामर्थ वो हमारे अंदर कार्यशील होता है और प्रारंभ होता है वो ये शाम के समय आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ. Romans chapter 1. रोमियो की पत्रिका पहला अध्याय में and verse 16. 16 अध्याय वचन. Romans chapter 1 and verse 16. रोमियो की पत्रिका पहला अध्याय की 16 वचन. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. सेंट पॉल्स राइट्स दिस एपिस्टल टू रोमन्स एंड टेलिंग दैट इन द गॉस्पेल पावर ऑफ गॉड इज फाउंड. यहाँ जब पौलुस रोमियो की कलीसिया के लिए अपना पत्रिका लिखने के समय कहता है परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा एक सामर्थ्य कार्य करता है. देयर इज पावर ऑफ गॉड प्रेजेंट इन द गॉस्पेल. यहाँ हम देख सकते हैं सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है. सो अनलेस एंड अंटिल अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस गॉस्पेल ही कैन नॉट कम अंडर द पावर ऑफ गॉड एंड ही कैन नॉट बी केप्ट बाय द पावर ऑफ गॉड. जब तक एक मनुष्य उस इस सुसमाचार के अधीन में अपने जीवन को समर्पण नहीं करेगा उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य कार्यशील होकर नहीं रहेगा. जस्ट बीइंग बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली वी कैन नॉट से वी आर कमिंग अंडर द पावर ऑफ द गॉस्पेल. एक मसीह परिवार में जन्म होने के कारण हम नहीं कह सकते कि मैं इस सुसमाचार के इस परमेश्वर के सामर्थ्य के अधीन में मैं आ गया हूँ. जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली वी कैन नॉट से दैट वी आर अंडर द पावर ऑफ गॉड. हम एक मसीह परिवार में जन्म होने के कारण मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में अधीन हूँ करके हम नहीं कह सकते हैं. सो वी हैव टू कम अंडर द पावर ऑफ गॉड एंड वी मस्ट बी केप्ट फ्रॉम द पावर ऑफ गॉड. फॉर दैट वी हैव टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद दिस गॉस्पेल व्हिच इज द पावर ऑफ गॉड. यदि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के अधीन में रहना है नहीं तो प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्यशील होकर रहना है तो हम इस सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पण करना होगा. सो व्हाट इज गॉस्पेल. ये सुसमाचार क्या है. द मीनिंग ऑफ गॉस्पेल इज गुड न्यूज. ये सुसमाचार का मतलब शुभ संदेश. अ बॉय मेट अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड आस्क्ड यू से दैट गॉस्पेल इज गुड न्यूज बट हाउ कैन यू से दैट गॉस्पेल इज गुड न्यूज. न्यूज हाउ कैन यू से इट इज अ न्यूज. एक बालक एक प्रचारक को आकर मुलाकात किया. आप तो कहते हैं कि ये सुसमाचार एक शुभ संदेश है. आप कैसे कह सकते हैं ये एक संदेश करकर. हाउ यू कैन से दैट गॉस्पेल इज न्यूज. आप कैसे कह सकते हैं ये सुसमाचार एक संदेश है. बिकॉज गॉस्पेल इज समथिंग दैट हैज टेकन प्लेस 2000 ईयर अगो. इट इज हिस्ट्री. यू कैन नॉट से दैट इट इज अ न्यूज. ये सुसमाचार तो करीबन 2000 साल के पहला ही कह चुका है आ चुका है. आप कैसे कह सकते हैं कि ये संदेश है अभी तो ये नहीं आया. व्हाई वी से दैट गॉस्पेल इज न्यूज गुड न्यूज. क्यों आप ऐसे कहते हैं ये सुसमाचार एक संदेश है. सो वी प्रीच दिस गुड न्यूज एंड पीपल आर बीइंग सेव्ड बाय दिस गुड न्यूज. समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट गुड न्यूज एंड दैट इज व्हाई गॉस्पेल इज कॉल्ड गुड न्यूज. ये शुभ संदेश के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं. ये शुभ संदेश के द्वारा कुछ काम हो रहा है इसीलिए ये सुसमाचार को शुभ संदेश करके कहलाया जाता है. दिस इवनिंग ऑल्सो एज यू हियर दिस गॉस्पेल यू विल हैव समथिंग टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ ऑल्सो. ये शाम के समय जैसे आप ये सुसमाचार को सुनते हैं जैसे ये शुभ संदेश आपके पास पहुंचता है आपके जीवन में भी एक अनोखा काम आप महसूस कर सकते हो. यू माइट बी अ सेव्ड पर्सन. आप उद्धार पाए हो सकते हैं. यू माइट बी अ पर्सन हैविंग टेकन वाटर बैप्टिज्म. शायद आप पानी के बपतिस्मा को ग्रहण किए होंगे. You might have received the baptism of the Holy Spirit. शायद आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी पाए होंगे. But the moment that hear the word of God, if there is something taking place in you, that is called news, and that is why this gospel is called good news. जिस क्षण में आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं और उस आपके अंदर कुछ काम और कुछ परिवर्तन होता है वाकई वो एक शुभ संदेश है. वो इस सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में प्राप्त होता है. That is why St. Paul says, "Gospel of Christ is the power of God." इसीलिए संत पौलुस कहता है कि मसीह का सुसमाचार वो एक सामर्थ है. सो दैट गॉस्पेल वी प्रीच अनटू यू सो दैट द पावर ऑफ गॉड मे बी मैनिफेस्ट इवन दिस इवनिंग. इसीलिए शाम के समय उस
सुसमाचार को आपके पास हम पहुंचाते हैं ताकि वो सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे. When the power of God operates, what will take place? जब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा तब क्या होगा? When the power of God operates, conviction will take place. जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर कार्य करेगा तो हमारे अंदर पाप का बोध आएगा. So we will be convicted of our sins. हमारे जीवन में रहने वाले हर एक पापों के प्रति हमारे अंदर बोध होगा. When the power of God operates, we will be not only convicted of our sins and we will desire, what should I do then? जब हमारे अंदर पाप का बोध उत्पन्न होगा इतना ही नहीं हमारे अंदर एक आग्रह आएगा कि हम इसके आगे क्या करें. So that is why power of God works through the gospel. इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार के द्वारा कार्य करता है. When the gospel was preached, miracles take place. जहां सुसमाचार प्रचार किया जाता है वहां अद्भुत काम होते हैं. When the gospel is preached, people receive salvation. Not only salvation, people receive peace and joy and rest. जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तब वाकई साधारण तौर से लोग शांति विश्राम और आराम को हासिल करते हैं. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. So what then gospel is? तो ये सुसमाचार क्या है? Gospel is this, it is only about Jesus, that is gospel. Jesus is gospel and Jesus is called, himself is called the power of God. ये सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह सुसमाचार है. यीशु मसीह परमेश्वर का एक सामर्थ है. Jesus came down. यीशु मसीह नीचे उतर आया. And died for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पण किया. That is gospel. वही सुसमाचार है. That is good news. वही शुभ समाचार है. Jesus came down, died for the sinner and became a savior for us. यीशु मसीह इस पृथ्वी में उतर आया और एक पापी के लिए अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया. By he dying on the cross, he mended the relationship between God and man. जब उसने कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदानों का समर्पण किया तब उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता को लेकर आया. So he mended the relationship, the stained relationship, the relationship that was cut between man and God. By Jesus dying on the cross, he mended, he repaired it. जो रिश्ता टूट गया था वो रिश्ताओं को प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस के अपने बलिदान के द्वारा जिस टूटा हुआ रिश्ताओं को उसने सील कर और एक बार जोड़ दिया. That is what we read in Ephesians chapter 2 and verse 14. इसीलिए इफिसियों की पत्रिका दूसरा अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं. Ephesians chapter 2 and verse 14. इफिसियों पत्रिका दूसरा अध्याय के 14 वचन. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. He broken down the wall of partition between us and made that. Prepared that work of uniting us with God. वो अलग कर किया करने वाली उस दीवार को परमेश्वर ने जोड़कर और एक बार एक होकर प्रभु बदल दिया. Jesus came as a deliverer. यीशु मसीह एक चुराना वाला होकर इस पृथ्वी में उतरा. Delivering us from what? ये किससे हमें छुड़ाता है? Delivering to deliver us from the penalty of sin. ये उससे हमें छुड़ाता है, ये पाप के उस मजदूरी से हमें छुड़ाता है. Which is death. He delivered us from the penalty of sin, which is death. ये यीशु मसीह पाप का मजदूरी जो मृत्यु है उस मृत्यु से हमें छुड़ाता है. Jesus came down into this earth as a deliverer. To deliver mankind from the penalty of sin, which is death. यीशु मसीह इस पृथ्वी में उतर आया उसका उद्देश्य क्या है? जिस मनुष्य का ऊपर उसका पाप का मजदूरी मृत्यु था उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो आया. And not only that, इतना ही नहीं. So man was under the power of sin. मनुष्य पाप के अधीन में जीवन बिता. Man was under the power of Satan. ये मनुष्य शैतान के सामर्थ्य के अधीन में था. To deliver man from the power of sin and the power of Satan and bring him into the power of God, Jesus came down. यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का एक ही कारण ताकि वो मनुष्य को उस पाप और उस शैतान के सामर्थ्य से छुड़ाकर अपने पास उसको लेकर आने के लिए. When we go to 1 Corinthians chapter 15, जब हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में आते हैं. 1 Corinthians chapter 15 verse 1-4. पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के पहला से चार वचन. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you
first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। दिस वॉज द गॉस्पेल दैट सेंट पॉल प्रीच्ड। यही संत पौलुस ने प्रचार किया हुआ एक सुसमाचार है। आई डिक्लेयर अन टू यू द गॉस्पेल व्हिच आई प्रीच्ड अन टू यू। मैं ये सुसमाचार आपको पहला सुना चुका हूँ, वही मैं आपको सुनाता हूँ। द वेरी सेम गॉस्पेल यू माइट हैव हर्ड आल्सो मेनी टाइम्स, दैट इज द गॉस्पेल इवन दिस इवनिंग द लॉर्ड एनेबल मी टू प्रीच अन टू यू। ये सुसमाचार इसके पहले आप कई बार सुने होंगे, वही सुसमाचार को इस शाम के समय और एक बार प्रभु आपके पास लेकर आता है। मेनी टाइम्स यू माइट हैव हर्ड दिस गॉस्पेल, बट this evening this gospel is going to work in your life. कई बार ये सुसमाचार आपने सुना होगा, लेकिन ये शाम को यही सुसमाचार आपके जीवन में एक अनोखा काम करने वाला है। Because gospel brings victory. क्योंकि ये सुसमाचार आपके जीवन में एक जय को लाएगा। Jesus died for our sins. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। He was buried. वो गाड़ा गया। And he rose up on the third day. और वो तीसरा दिन जी उठा। And ascended into heaven. और वो स्वर्गारोहण हो गया। And pleaded with the Father. और वो हमारे कारण पिता से बिचवाई करता है। Received gifts unto men. और उसने हमारे लिए मनुष्य के लिए वरदान को लिया। And that is the Holy Spirit he sent unto us. वो पवित्र आत्मा है जो हमारे खातिर उसने भेजा। And what did he send unto his disciples? और उसने अपने चेलों को देकर क्या कहा? I'll go and I'll prepare a place for you. I'll come back and take you to the place where I am. मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्थान को बनाऊंगा और वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दैट इज गॉस्पेल। वही सुसमाचार है। दैट इज गॉस्पेल। वही सुसमाचार है। एंड दैट गॉस्पेल वी प्रीच अनटू यू दिस इवनिंग। वही सुसमाचार इस शाम के समय आपके पास हम पहुंचाते हैं। जीसस डाइड फॉर यू। यीशु मसीह आपके लिए मर गया। जीसस नॉट ओनली डाइड फॉर सिंस। यीशु मसीह केवल पापियों के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं मरा। जीसस डाइड फॉर आवर सिकनेस आल्सो। यीशु मसीह हमारे बीमारियों के लिए भी मरा है। ही वाज ऑन द क्रॉस। वो जब क्रूस में था, He carried all of our sins, and along with the sins, he carried all of our sicknesses. जब उसने सारे पापों को उठाया था, वो पापों के साथ हमारे हर एक बीमारियों को भी उसने उठा लिया। That is why we read in Psalms 103. जब इसीलिए हम जब वचन 103 में मानते हैं, and verse 3, और तीसरा वचन में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Who forgiveth all the iniquities and healeth all diseases. When the sins are forgiven, when the iniquities are forgiven, when the transgressions are forgiven, sickness is also healed. सब अधर्मों को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता। जब हमारे पाप, अधर्म और हर एक बातें जब क्षमा होगा, उसी के साथ ही साथ हमारे हर एक रोगों के लिए भी एक चंगाई है। There is power in the gospel. वही सुसमाचार के द्वारा कार्य करने वाला एक सामर्थ्य। There is power of God in the gospel. वही परमेश्वर का सुसमाचार के द्वारा एक सामर्थ्य। What is there is power as I told you before there is power in the sin at the same time there is power in the gospel. एक पाप में जैसे एक सामर्थ्य है, वैसे ही सुसमाचार में भी एक सामर्थ्य है। What is the power of sin? ये पाप का सामर्थ्य क्या है? The power of sin separates man from God. ये पाप का सामर्थ्य जो है, परमेश्वर के साथ रहने वाले संबंध से मनुष्य को अलग कर देता। Power of sin separates man from God. ये पाप का सामर्थ्य मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देगा। That happened in Garden of Eden. वो ही आदिन वाटिका में हुआ। That is continuing in mankind even now. वो घटना आज भी मनुष्य के जीवन में जारी है। But God did not want man to be separated from him. लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य उसके साथ उससे अलग रहे। That is why he sent the gospel. इसीलिए उसने सुसमाचार को भेजा। It is the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। So what the power of God, what the gospel, what the power in the gospel does? ये सामर्थ्य जो सुसमाचार में, वो क्या करता है?
The man who is separated from God is united to God. जो मनुष्य परमेश्वर के साथ रहने वाले रिश्ता से फूट गया उसे और एक बार एक साथ लेकर आता. Ephesians chapter 2 and verse 13. इफिसियों की पत्री का दूसरा अध्याय का 13 वचन. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. The blood brings man nigh to God. ये मसीह का लहू एक व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लेकर आता है. So Jesus shed his blood on the cross. That is gospel. यीशु मसीह कालवरी क्रूस में अपने लहू को बहा दिया वही सुसमाचार है. And that power that is in the blood brings man nigh to God. ये कालवरी क्रूस में यीशु मसीह का लहू में रहने वाला सामर्थ्य एक मनुष्य को परमेश्वर का निकट लेकर आता है. That is why we say that there is power in gospel. इसीलिए हम कहते हैं सुसमाचार में एक सामर्थ्य है. Oh, that power is even now working here. वो सामर्थ्य आज शाम के समय हमारे बीच में काम कर रहा है. You might have been near to God, but now you might have been as the prodigal son gone far away from God. आप प्रभु का निकट होते रहेंगे शायद आज इस समय पर बूढ़ा पुत्र के समान प्रभु के साथ रहने वाले रिश्ता से टूट कर दूर गए होंगे. You might be now sitting here in the presence of God, your mind might be wandering somewhere else. आज आप प्रभु के हजूरी में बैठे होंगे लेकिन आपका मन यहाँ वहाँ भटकता हुआ घूमता रहा होगा. But this evening gospel is coming. Jesus, the blood of Jesus is coming to you. The word of God says, the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abel. And that blood is coming to you. आज शाम के समय वो यीशु मसीह का लहू आपको मुलाकात करता, वो लहू जो आबेल से भी उत्तम बातों को करता है, वो लहू आपको मुलाकात करता है. That blood speaks to you. वो लहू आपसे बातें कर रहा है. And what does it say? वो क्या कहता है? I gave my blood for you. मैंने अपना लहू तेरे लिए दिया. I gave that power for you. मैंने अपना सामर्थ्य तेरे लिए दिया. So that you may come to me, come here to me. ताकि तू मेरे पास आ जाए. Draw me near, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me near, 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 blessed Lord, to the cross now accept that Jesus shed his blood for you. यदि इस रात के समय यदि आप ये इनका इकरार करते हो कि यीशु मसीह का वो पवित्र लहू आपके लिए बहाया गया. You may be far away from God, any wrong distance you might have been. शायद आप प्रभु से कई चोर चोर दूर आप हो सकते होंगे. You might be now telling, yes, it is me. I am far away from the Lord. शायद आप कह सकते होंगे हाँ मैं हूँ जो प्रभु से बहुत दूर गया. Blood of Jesus speaking to you, gospel is speaking to you, power of God is speaking to you. यीशु मसीह का लहू सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ आपसे बातें कर रहा है. Oh, it is for you. The gospel is coming. आपके लिए ये सुसमाचार हमारे बीच में आ गया. You may be far away from the Lord. आप परमेश्वर से बहुत दूर हो सकते हैं. But this evening you will be drawn near to the Lord. लेकिन इस शाम के समय प्रभु आपको अपने पास खींच कर लेकर आता है. His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति. What power of sin can do in our life? ये पाप का सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या कर सकता है? Power of sin can will bring God's anger in our life. ये पाप का सामर्थ्य जो है परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में लेकर आएगा. What can power of gospel do? ये सुसमाचार का सामर्थ्य क्या करेगा? Romans chapter 5 and verse 8. रोमियों की पत्रिका पांचवा अध्याय के आठवां वचन में आते हैं. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. What is gospel? ये सुसमाचार क्या है? Jesus died for us. यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया. What is gospel? ये सुसमाचार क्या है? Jesus died for me. यीशु मसीह मेरे लिए मर गया. So this evening if you accept that Jesus died for me. यदि ये शाम के समय आप ये इस बात को
ग्रहण करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है. Jesus died for me. यीशु मसीह मेरे लिए मरा है. Oh, you can come out of the anger of the Lord and you can experience the love of God. आप परमेश्वर के उस क्रोध के अंदर भीतर से बाहर आएंगे और प्रभु के प्रेम के अधीन में आ सकते हो. You can experience the love of God coming into you and working in you. परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर आने वाले उस बातों को आप अनुभव कर सकते हो. On the cross, Father and Son reveal the total love towards mankind. क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और पिता ने अपना प्रेम जो मानव जाति के लिए ठहराया गया था उसने उन्होंने जाहिर किया. So that is why there is power in the gospel. वही सुसमाचार के द्वारा सामर्थ कार्य होता है. The power of God that is in the gospel brings man to God's love. ये परमेश्वर का सामर्थ जो उसके अंदर है वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है. The power of sin brings curse upon mankind. ये पाप का सामर्थ्य जो है मनुष्य के ऊपर श्राप को लेकर आता है. That is what we find that Adam and Eve and the serpent received curse from the Lord. इसीलिए हम ये जानते हैं कि आदम हव्वा और हर एक मानव जाति प्रभु के द्वारा श्राप को हासिल किए. But it is not the will of God, it is not the plan of God, it is not the desire of God. Man should be always under curse. लेकिन ये परमेश्वर का मर्जी और योजना नहीं कि हर एक मानव जाति उसे श्राप के अधीन में रहे. But God wants man to be receiving his blessing. लेकिन परमेश्वर ये चाहता कि मनुष्य उसकी आशीषों को प्राप्त करे. Gospel brings man blessing. ये सुसमाचार मनुष्य को आशीष में लेकर आता है. What is the blessing? ये आशीष क्या है? Joy, peace and rest. आनंद शांति और तसल्ली. That is what mankind is searching for in these days. ये इन दिनों में मानव जाति ढूंढता रहता है. Mankind goes here and there for to find joy. इन दिनों में मानव जाति यहाँ वहाँ दौड़ता चला जाता कि कैसा भी उसको आनंद मिले. And that joy is temporal. लेकिन इस संसार का आनंद तात्कालिक है. But gospel is bringing the joy eternal. लेकिन ये सुसमाचार हमारे जीवन में अनंत काल का आनंद को लेकर आता है. Man goes to find peace for by something, he is taking something and he is saying, no, I have peace like that. मानव जाति शांति के पीछे दौड़ते हुए कोई वस्तु को कुछ बातों को लेकर वो शांति प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है. And that is temporal. लेकिन ये शांति तात्कालिक है. But gospel brings eternal peace. लेकिन ये सुसमाचार हमें अनंत काल के शांति ले लाता है. Man could not find rest anywhere. ये मानव जाति कहीं भी विश्राम ढूंढ नहीं पाएगा. The whole mankind is searching for rest and they could not find rest. ये पूरा मानव जाति विश्राम को ढूंढता है लेकिन विश्राम ढूंढ नहीं पाता. But what Jesus says? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? Come unto me, all that is heavy burden laden, I will give you rest. बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Oh, man needs rest and there is gospel giving rest unto mankind. मानव जाति विश्राम को ढूंढता है लेकिन यहाँ एक सुसमाचार है जिसके द्वारा मानव जाति विश्राम को हासिल कर सकता है. Praise be to his holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. The sin, the power of sin brought death unto mankind. ये पाप का सामर्थ मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लाता है. But there is power in the gospel. लेकिन सुसमाचार के द्वारा एक सामर्थ है. 2 Timothy chapter 1. दूसरा तीमोथी पहला अध्याय. And verse 10. दसवां वचन. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. थ्रू गॉस्पल, सुसमाचार के द्वारा लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी इज ब्रॉट इनटू मैनकाइंड. जीवन और अमरता मनुष्य को दिया जाता है. दैट गॉस्पेल वी ब्रिंग अनटू यू दिस इवनिंग. सुसमाचार आपको ये शाम के समय हम पहुंचाते हैं. इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड दैट यू मस्ट बी इन अ डेड स्टेट. ये परमेश्वर का मर्सी नहीं कि आप मरा हुआ अवस्था में पड़े रहें. इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड दैट यू मस्ट बी अ मॉर्टल बीइंग. ये परमेश्वर का मर्सी नहीं है कि आप मृतक अनुभव में पड़े रहें. ओह, इट इज द विल ऑफ गॉड दैट यू मस्ट बी ऑल्सो हैव लाइफ एज ही इज एंड एज ही इज immortal. He wants you to be also immortal. ये परमेश्वर का मर्सी है कि वो आपके अंदर अपना जीवन और जैसे वो अमर है आपको भी अमर होकर बनाने के लिए चाहता है. That is why gospel is sent to you and that is why the power of God is being manifested even this evening so that you must have that eternal life and inherit immortality. इसीलिए ये सुसमाचार आपके पास पहुंचाया और इसीलिए ये सुसमाचार आपके अंदर अमरता और न मरने वाले अनुभव को लाता है. परमेश्वर के नाम की स्तुति. The sin brings
mankind unto all kinds of wars and calamities and sicknesses. ये पाप जो है मनुष्य के जीवन में लड़ाई और बीमारी और नाना प्रकार के कई अजमाइशों को उसके जीवन में लाता है. All kinds of problems in the families. उसके परिवार में नाना प्रकार के कई समस्या. All kinds of powers of witchcrafts working in families. और जादू टोने के कई सामर्थ परिवार में काम कर रहा है. The power of Satan is working so mightily to disturb the families. और एक परिवार को तंग करने वाले शैतान के हर एक सामर्थ काम कार्यशील होकर रहता है. But लेकिन gospel brings peace and prosperity. लेकिन ये सुसमाचार शांति और कुशल लाता है. Gospel brings peace and prosperity. ये सुसमाचार जो है शांति और कुशलता लाता है. That is what we read before in Ephesians chapter 2 verse 14. Jesus is our peace. इसीलिए इफिसियों की पत्रिका दूसरा अध्याय के 14 वचन में हमने पढ़ा था यीशु मसीह हमारा सुसमाचार है. Jesus is our peace. यीशु मसीह हमारा शांति है. Gospel is peace. ये सुसमाचार शांति है. There is peace in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति है. Because blood of Jesus unites man with God, unites man with man. ये परमेश्वर का लहू जो है मनुष्य को परमेश्वर के साथ और परमेश्वर को मनुष्य के साथ जोड़ देता है. Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. When you read 1 Peter chapter 1 and verse 7, जब पहला पत्रस पहले अध्याय के सातवें वचन में आते हैं. First John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय के सातवें वचन. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. Praise be to His holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. Fellowship with one another by the power of blood. ये एक दूसरे के पास रहने वाले ऐक्यता जो है वो परमेश्वर के सामर्थ को कार्यशील होकर बनाता है. If you are sure that you are washed by the blood of Jesus. यदि आपके अंदर एक निश्चय है कि आप परमेश्वर की पवित्र लहू के द्वारा धुले गए हैं. If you are sure that your sins are washed by the blood of Jesus. यदि आप इस बात में निश्चय कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आपका पाप धुल गया है. Power of gospel has worked in you. आपके अंदर उस सुसमाचार का सामर्थ कार्यशील है. Another person, he is also washed by the blood of Jesus. और दूसरा व्यक्ति वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुला गया है. And if it is true, यदि वो सच है तो there will be perfect fellowship. उनके बीच में एक अच्छा सहभाग्यता होगा. There will be perfect fellowship. उनके अंदर एक सहभाग्यता होगा. Because the power of gospel brings unity. क्योंकि ये सुसमाचार का सामर्थ जो है वो हर एक लोगों के बीच में एक सहभाग्यता एक ऐक्यता को लेकर आता है. If there is no unity in your family, यदि आपके परिवार में एक ऐक्यता नहीं है. If there is all kinds of divisions and differences and clashes and commotion and calamities in your house, यदि आपके परिवार में कई भिन्नता है अलग अलग करने वाले कई बातें और असमंजस कार्य कर रहा है तो. If there is fighting and quarreling in your house, यदि आपके घर में लड़ाई जारी है तो. You might be saved. आप उद्धार पाए होंगे. You might have been taken water baptism, received the baptism of the Holy Spirit as being a believer. बत्तीसमा लिए होंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए होंगे विश्वासी रह सकते हैं. If there is fight and quarreling in your house, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है. The fellowship is not there. वहां ऐक्यता सहभाग्यता नहीं. That means उसका मतलब power of blood is not working there. Yes. मसीह का लहू का सामर्थ्य वहां कार्य नहीं कर रहा. That means, उसका मतलब यू नॉट इन अंडर द पावर kept अंडर द पावर ऑफ गॉड. आप मसीह का उस पवित्र लहू के अधीन में नहीं है. That means, उसका मतलब यू नॉट रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. आप मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है. द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू सम ऑफ यू सीटेड हियर. आप हमारे बीच में कुछ लोग जो बैठे हैं उनसे प्रभु बातें कर रहा है. आई हैव नो पीस विद दैट वन ब्रदर. आई हैव नो पीस विद दैट सिस्टर. मुझे उस प्रत्येक भाई के साथ उस बहन के साथ एक अच्छा सहभाग्यता ऐक्यता नहीं है. देयर इज ऑलवेज क्वारलिंग. हर वक्त झगड़ा. ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट वर्किंग. मसीह का लहू आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा. फाइनली रीड फर्स्ट जॉन 1:7. कृपा करके पहला ही होना पहला अध्याय के सातवें वचन और एक बार पढ़िए. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। द पावर दैट इज इन द ब्लड ऑफ जीसस cleanses us from all sins means cleanses us from all the quarreling and fighting also. ये मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, इतना ही नहीं हमारे हर एक लड़ाई झगड़ा से भी वो शुद्ध करता है। That is gospel. वो ही सुसमाचार है। Gospel came into this world to bring man into unity. ये सुसमाचार इस जगत में आने का एक ही मकसद है, ताकि हर एक मानव जाति को वो एक बनाने के लिए। That was the prayer that Jesus, while he was on this earth, prayed. ये यीशु मसीह का प्रार्थना था जब इस यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहा। Jesus prayed a longest prayer in John chapter 17. जब यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में आते हैं, वहाँ यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में हम देख सकते हैं। There he says that as we are one, they must be one. यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना करता, प्रभु जैसे हम एक है, If there is quarreling and fighting in your house, यदि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा रहने पर, oh this evening the spirit of the Lord is speaking to you. इस रात के समय प्रभु का आत्मा आपके साथ बातें कर रहा है. Blood of Jesus has no work in your life. आपके जीवन में मसीह का लहू कार्य नहीं कर रहा है. The power of the blood of Jesus is not working in your life. मसीह यीशु का उस लहू का सामर्थ आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है. Oh, this day the Lord is bringing this gospel to you that you may have perfect understanding and oneness. इस रात के समय आपके पास प्रभु यीशु समाचार देता है, ताकि आपके बीच में हर एक के प्रति एक अच्छा समझ होना चाहिए। Oh, there should not be any quarrel and fighting in the people of God's house. परमेश्वर के लोगों के परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है कदापि नहीं रहना। In the day of power, जब उस सामर्थ के दिन में, my people shall be willing. हमारे मेरे लोग क्रियाशील रहेंगे। My people shall be willing. In the day of power, thy people shall be willing. परमेश्वर के दिन में मेरे लोग स्वेच्छा बलि बनते रहेंगे। What does it mean? उसका मतलब क्या है? Thy people will be willing to live in unity. मेरे लोग इच्छा के साथ एक मन के साथ रहेंगे। Thy people will be willing to live in fellowship. मेरे लोग ऐक्यता और सहभाग्यता के साथ रहेंगे। Oh, this morning, this evening, इस रात के समय, the spirit of the Lord is speaking to you. परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। The spirit of the Lord is speaking to some of the families who are not united. परमेश्वर का आत्मा कुछ परिवार से बातें कर रहा है जो एकता के साथ नई जीवन बिताते हैं। The gospel will unite you. ये सुसमाचार हमें एक बनाएगा। This word of God will unite you. ये परमेश्वर का वचन हमें एक बनाएगा। May the Lord help us. परमेश्वर हमें मदद करे। Now when we read 1 Peter chapter 2 verse 24, जब हम पहला पत्र दूसरा देखे 24 वचन में आते हैं, Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। By whose stripes you were healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। That is gospel. यही सुसमाचार है। By whose stripes you were healed. उसकी मार खाने से आप चंगा हो गए हैं। There is power in the stripes of Jesus. यीशु मसीह के उस खोड़े काने के द्वारा एक सामर्थ है। There is power in the stripes of Jesus. यीशु मसीह के खोड़े काने के द्वारा एक सामर्थ है। There is healing power in the stripes of Jesus. यीशु मसीह के खोड़े खाने के द्वारा एक चंगाई का सामर्थ कार्य कर रहा है। We may sing that, oh, by his stripes I'm healed. हम गाना गा सकते हैं, प्रभु तेरे खोड़े काने से मेरे लिए चंगाई है। Is it true? क्या ये सच है? Are you experiencing healings from the stripes of Jesus? क्या उसके खोड़े काने के द्वारा आपके शरीर में चंगाई को आप अनुभव कर रहे हैं? So 2000 years itself, your sickness has been carried on the cross by your beloved Jesus, and that is gospel, and there is power in the gospel, and that power in the gospel can set you free even this evening. 2000 साल के पहले कालवरी क्रूस में यीशु मसीह ने अपने ऊपर खोड़े खाया, यही सुसमाचार है, और यही सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम हर एक को चंगा देने के लिए चाहता है। By whose stripes you were healed. उसके खोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। Do you believe this? क्या विश्वास करते हो? Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हो? If you believe in the stripes of Jesus alone, यदि आप केवल यीशु मसीह का खोड़ा काया हुआ ऊपर आप विश्वास करोगे, you will receive your healing. आपके शरीर में आप एक चंगाई को महसूस कर सकते हो।
You might be sick for many days, months, weeks or years together. कई दिन, कई महीना, कई साल तक आप बीमार होंगे. But this evening, the power of gospel is being manifested here. लेकिन इस शाम के समय परमेश्वर के उस सुसमाचार का सामर्थ हमारे बीच में कार्य करेगा. Power to heal is present here. चंगा करने के लिए उसका सामर्थ हमारे बीच में है. Your sickness be any sickness, any type of sickness. आपके शरीर में जो कोई बीमारी क्यों ना हो. You might be forsaken by doctor. आप डॉक्टरों के द्वारा त्यागे गए होंगे. But this evening, लेकिन इस शाम के समय, the gospel which we preach, जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, there is power of God in the gospel. ये सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ है. There is power in sin to make you to be sick. ये पाप का सामर्थ आपको बीमार होकर रखने के लिए एक गुण है. That is what 103:3 says. Your sins are forgiven, healing is taking place. इसीलिए 103 भजन में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया और तुम चंगे हो गए. And in Psalms 107 and verse 20, जब 107 भजन के 20वां वचन में आते हैं, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है. He sent His word and healed. उसने अपने वचन को भेजकर या वचन के द्वारा वो चंगा करता है. He is sending His word even this evening to heal you. इस रात के समय वो अपने वचन को हमारे बीच में भेजकर हमें चंगा करता है. By His stripes you were healed. That was the word. ये परमेश्वर का वचन है, उसके घोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं. I am the God that healeth thee. That is His word. परमेश्वर का वचन है कि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ. No, I bring health and cure. This is word. ये परमेश्वर का वचन है, मैं तुम्हें चंगाई और कुशलता को देता हूँ. In your sickness, I will change your blood. That is the word of God. तेरे बीमारी में मैं तेरे जीवन को बदलूंगा. The healing God is here. चंगा करने वाला प्रभु हमारे बीच में. Healing Jesus is here. चंगा करने वाले यीशु हमारे बीच में. Healing Holy Spirit is here. चंगा करने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में. Healing Word is here. चंगा करने वाला प्रभु का वचन हमारे बीच में. There is power in the name of Jesus which can heal. That name is also here. यीशु मसीह का नाम से वो सामर्थ है कि तुम चंगे हो जाए, वो सामर्थ हमारे बीच में. The power of the name of Jesus is working here. वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे बीच में. Oh, this is the gospel that we given to you. सुसमाचार है जो आपके लिए हम देते हैं. दिस इज द गुड न्यूज. यही वो शुभ समाचार. यू आर हील्ड बाय जीसस. आप यीशु के द्वारा चंगे हो. हील्ड बाय हिज नेम. आप यीशु के नाम के द्वारा चंगे हो. यू आर हील्ड बाय हिज हैंड. आप उसके हाथ के द्वारा चंगे हो गए हैं. द वुमन विद द इश्यू ऑफ ब्लड हर्ड दैट जीसस इज पासिंग बाय. वो स्त्री जिसके अंदर रक्त का रोग था, उसने सुना कि यीशु मसीह गुजर रहा है. 12 years she was sick. कई साल वो बीमार थी. 12 years. 12 years she was sick. 12 साल तक इस रोग में वो पीड़ित थी. She went to physician after physician. रोगियों के वैद्यों के पीछे. And she became worse. लेकिन अभागावस्था. She heard Jesus is passing by. लेकिन उसने सुना यीशु मसीह गुजर रहा है. And according to the law of that time, this woman with the issue of blood cannot enter the city, cannot enter the town. उस समय के नियम के अनुसार जिस स्त्री को ये रक्त रोग है वो शहर के भीतर आना ही नहीं चाहिए. She did not mind that. लेकिन उसने परवाह नहीं किया. The people were thronging like around Jesus. She did not mind that. सारे लोग यीशु के चारों तरफ भीड़े हुए थे, लेकिन उसने परवाह नहीं किया. She said in her heart, she purposed in her heart, if I touch the hem of the garment of Jesus, I will be healed. उसने एक बात को निर्णय ठान लिया कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूंगी तो वाकई में चंगा हासिल करूंगी. That time gospel was not preached unto her as we preach the gospel this evening. समय सुसमाचार तो प्रचार नहीं किया गया, लेकिन इस रात के समय हम आपको सुसमाचार प्रचार. उसको केवल यही जानकारी था कि यीशु मसीह के अंदर वो चंगा करने का सामर्थ है. She has not seen Jesus healing people. उसने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह कभी किसी को चंगा कर रहा है. But she believed in her heart that Jesus can heal. लेकिन उसने एक बात को विश्वास किया कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है. In the midst of the crowd, she went and touched the hem of the garment of Jesus. इसीलिए भीड़ के बीच में उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को जाके छुआ. Instantaneously. उसी क्षण में. Instantaneously. उसी क्षण में. She was healed. उसने चंगाई को हासिल किया. The garment of Jesus had power to heal her. यीशु मसीह के वस्त्र में वो सामर्थ्य है.
That Jesus is here in the midst. That risen Jesus is here in the midst. वो जी उठा हुआ यीशु मसीह हमारे बीच में इसी स्थान में। That time he had a garment made of man. उसी समय यीशु मसीह के पास एक वस्त्र था। It was made of man. वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। But now, लेकिन अब, Jesus is walking here. यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। With not man-made garment. उसके पास वस्त्र मनुष्य बनाया हुआ वस्त्र नहीं है। With a glorious garment. लेकिन उसके पास तेजो में महिमा भरा हुआ वस्त्र है। This is gospel. वही सुसमाचार। Risen Jesus is here. वही यीशु मसीह हमारे बीच में है। Risen Jesus is here. वही यीशु मसीह हमारे बीच में है। Risen Jesus is here. वो उठा हुआ यीशु मसीह हमारे बीच में। Resurrection power is here. वो यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे बीच में। If you believe, यदि आप विश्वास करोगे। If you believe, यदि आप विश्वास करोगे। You need not touch, but you believe, you will be healed. यदि आप विश्वास करने पर इसी क्षण में आप चंगाई को अनुभव कर सकते हो। You will receive the healing and go and be a witness unto Jesus. आप ये चंगाई को हासिल करते भी स्थान से मसीह का गवाह होकर लौट सकते हो। Praise be to holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति। When the gospel is preached, things happen. जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब काम होता है। Even this evening I believe things are happening here. इसी शाम के समय विश्वास करता हूँ प्रभु का काम वाकई होगा। The power of God is working here. परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य कर रहा है। Praise be to holy name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। When gospel was preached during the time of Jesus, जब यीशु मसीह के समय पर सुसमाचार प्रचार किया गया। Matthew chapter 4 and verse 23. मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय के 23 वचन। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. The gospel of kingdom was preached by Jesus. जब यीशु मसीह के द्वारा राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया। And we are also preaching the gospel of kingdom. आज हम उस राज्य का सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं। As the gospel of kingdom is preached. जैसे ये राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। As healing took place in the time of Jesus. वाकई जैसा यीशु मसीह के समय पर चंगा का काम हो रहा है। Even this evening, इसी रात के समय healing is taking place. चंगाई का काम हो रहा है। Healing is taking place. चंगाई का काम हो रहा है। Because where gospel is preached, healing will take place, miracles take place, deliverance will take place, victory will be given. जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब अद्भुत काम होंगे, छुटकारा होगा, चंगाई होगा। Praise be to holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। So when the gospel is preached, what we have to do. जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल। बहुत साधारण बात। वेरी सिंपल। बहुत साधारण बात है। गो टू लूक चैप्टर 23। जब लूक को सुसमाचार 23 अध्याय में आते हैं एंड 42nd वर्स, उसका 42 वचन पढ़ेंगे। And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। A thief is hanging on the cross. यहाँ एक चोर क्रूस में लटक रहा है। And he is pleading with the Lord Jesus. When thou comest in the kingdom, remember me. वहाँ यीशु मसीह के पास विनती कर रहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तब मेरा सुधि ले। 7 truths is there in this confession of this thief. यहाँ ये चोर की इस इकरार में 7 सच्चाई को पढ़ सकते हैं। So we must understand that and we must practice that in our life. हमारे जीवन में यह समझना होगा और हमें अनुभव करना होगा। So read the 40th verse. 40 वचन पढ़ेंगे। But the other answering rebuked him saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। So here we can find he fears God and he is having an understanding about judgment or punishment or condemnation. यहाँ ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को डांट कर उसके भीतर परमेश्वर के न्याय के बारे में, दंड के बारे में, ये चोर के अंदर एक अच्छा समझ था। He fears God
And he is having an understanding about the condemnation, judgment that he has received or he is going to receive. वो उसके अंदर परमेश्वर का डर था और उसके अंदर परमेश्वर की न्याय और दंड के बारे में एक अच्छा समझ उसके अंदर पाया गया. So what for judgment? ये न्याय किसके लिए है? What for that condemnation? ये दंड किसके लिए है? That is, he knew that he is a person who has done something wrong. So that knowledge is also there. That is, he is a sinner. वो व्यक्ति के भीतर उसने जो काम किया वो गलत है करकर उसके अंदर एक एहसास था ताकि मैं एक पापी हूँ. Please, it is only name. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. This understanding we all should have. ये समझ हमारे एक को रहना है. Many a times, after receiving salvation and accepting the Lord as Savior and taking water baptism and receiving the baptism of the Holy Spirit, we forget who we are. कई बार जब हम उद्धार पा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के पश्चात हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं. Dear brother, dear sister, saved one seated here. प्यारे भाई, प्यारे बहन. And even the workers seated here. जो विश्वासी और जो सेवक यहां हम बैठे हैं, have this understanding, हमारे you are, I am a forgiven sinner. हम हर एक लोग प्रभु के ऐश्वर्य में जो बैठे हैं, हम एक अपागा पापी हैं. I am a forgiven sinner. हम एक क्षमा प्राप्त किए हुए एक पापी है. I am a forgiven sinner. मैं एक क्षमा प्राप्त किया एक पापी हूँ. So we must all have this understanding. I am a forgiven sinner. If you are sure that your sins are forgiven. यदि हमारे अंदर एक निश्चय है कि मेरा पाप क्षमा हो गया, तो हम एक समझ के साथ रहना है कि प्रभु मैं क्षमा प्राप्त किया हुआ एक पापी हूँ. That will enable us to experience the power of the gospel always in us, and that will keep us in the power of God, as St. Peter says that kept by the power of God. ये अनुभव हर वक्त हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने के लिए सहायता करेगा. इतना ही नहीं, जैसे पत्रस कहता हे प्रभु तेरे सामर्थ में मुझे रखवाली कर, वो अनुभव को हमारे जीवन में देगा. That will keep us in the day of his power. ये हमें परमेश्वर की उस सामर्थ के दिन के लिए हमें लायक बनाएगा. I was a sinner. मैं एक पापी हूँ. But the blood of Jesus cleansed me from all sins. That understanding should be always there. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन को पवित्र किया, ये समझ हर वक्त मेरे अंदर होना है. It is said about Saint Peter. पत्रस के प्रति ऐसे कहा गया है. When Jesus turned and looked at him when he denied the Lord third time. जब पत्रस ने यीशु मसीह को तीसरा बार इनकार किया और यीशु मसीह ने पत्रस को घूमकर जब देखा था, he wept bitterly, the word of God says. परमेश्वर के वचन कहता है वो बाहर आकर फूट फूट कर रोया. And not only that, one day. इतना ही नहीं, said about history says about Jesus, about Peter. Every day morning at cockcrowing time, he will weep in the presence of God. Oh, I betrayed my beloved Jesus. पत्रस के बारे में ऐसा कहा गया है कि हर दिन भोर के समय जब कभी मुर्गा बांग देता था, ये पत्रस बिलक बिलक कर फूट फूट कर वो इस घटना को स्मरण करते थे, वो रोता रहता था. I am a forgiven sinner. मैं एक क्षमा प्राप्त किया हुआ एक पापी हूँ. That is why Saint Paul saying, I am the chiefest of sinners. इसीलिए संत पौलुस कहता है मैं सबसे प्रधान पापी हूँ. Let us have that broken heart and contrite spirit saying that I am a forgiven sinner. यही टूटा पीसा हुआ हृदय के साथ हर वक्त हमारे अंदर एक अनुभव लेना है, प्रभु मैं एक क्षमा प्राप्त किया हुआ एक पापी हूँ. That makes you to be under the power of God and the power of the gospel. ये अनुभव आपके जीवन को परमेश्वर के सामर्थ के अधीन में, उसके सुसमाचार के अधीन में आपको जीवन को रखेगा. So this thief understood that he is under condemnation and he has committed sins. ये चोर को एक समझ है कि उसने एक गलती किया और वो एक दंड के लायक है. And read the 41st verse, और Luke 23:41. ये लोग 23 का 41 वचन पढ़ेंगे. And we indeed justly, for we received the due reward of our deeds, but this man had done nothing amiss. और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया. He confessed about the sinless life of Jesus. उसने यीशु मसीह के पाप रहित जीवन के बारे में वो इकरार करता है. Always we have to confess, oh my Jesus is holy. हम हर वक्त इस बात को इकरार करना है कि हमारे यीशु मसीह कौन है. And then in the 42nd verse, जब 42 वचन में आते हैं, And he said unto Jesus,
लॉर्ड रिमेंबर मी व्हेन थाउ कमेस्ट इनटू थाई किंगडम। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। फोर थिंग्स आर हियर इन दिस वर्स। इस वचन में चार बातों को हम सीख सकते हैं। ही कॉल्स जीसस एज लॉर्ड। उसने यीशु मसीह को हे प्रभु करके पुकारता है। ही कॉल्स जीसस एज लॉर्ड। यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारता है। सो नाउ व्हेन वी गो टू रोमन चैप्टर 10, जब हम रोमी की पत्रिका 10वें वचन में आते हैं, वर्स 9, उसके 9वां वचन पढ़िए। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। इफ दाउ शल कन्फेस विद थाई माउथ द लॉर्ड जीसस। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। इन द टाइम ऑफ रोमन, इन रोमन टाइम ऑफ दैट टाइम, रोमी के उस समय पर ओनली सीजर कैन बी कॉल्ड अस लॉर्ड। केवल सीजर जो है वो ही प्रभु होकर जाना जाना, केसर केवल प्रभु होकर जाना जाना चाहिए। ओनली ही कैन बी कॉल्ड अस लॉर्ड। केवल केसर प्रभु होकर बुला पुकारा जाना चाहिए। इफ एनी वन कॉल्स एनी अदर पर्सन अस लॉर्ड, ही इज वर्दी ऑफ पनिशमेंट और इवन ही विल बी क्रूसिफाइड और किल्ड। यदि कोई व्यक्ति और किसी व्यक्ति को वो प्रभु करके पुकारता है तो वो दंडनीय है और वो मृत्यु का लायक है। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। सो एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड सी दियर हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। क्या हमारे बीच में जो कोई बैठे, यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर ये समझ है क्या? व्हाट इज इट? ये समझ क्या है? व्हेन यू से दैट जीसस इज लॉर्ड, जब उसने कहा प्रभु यीशु, यीशु मसीह प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड, यीशु मसीह प्रभु है, दैट मीन्स दैट यू आर रेडी टू डाई एज अ मार्टिर। उसका मतलब हम इस बात के लिए तैयार है ताकि हम मसीह के लिए एक शहीद होकर। देयर इज पावर इन द गॉस्पेल। ये सुसमाचार में एक सामर्थ्य। देयर इज पावर इन द गॉस्पेल। सुसमाचार में एक सामर्थ्य। व्हाट इज द पावर? ये सामर्थ्य क्या है? सो दैट पावर मेक्स यू टू बी रेडी टू डाई एज अ मार्टिर। ये सामर्थ्य मसीह के लिए शहीद होकर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। ओ रेडी टू डाई एज अ मार्टिर, हम शहीद होकर मरने के लिए तैयार रहेंगे। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। यही परमेश्वर का सामर्थ्य। हाउ मेनी ऑफ यू कम अंडर दिस पावर ऑफ गॉड? कितने लोग इस परमेश्वर के सामर्थ्य के आदि में आए हैं? ओ व्हेन यू कॉल जीसस एज लॉर्ड, जब यीशु मसीह प्रभु एकर कर हम पुकारेंगे। व्हेन यू कॉल जीसस एज लॉर्ड, जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु करके, यू आर विलिंग टू डाई एज अ मार्टिर, हम शहीद होकर मरने के लिए तैयार रहेंगे। गो विद दिस पावर, हम इस सामर्थ्य के साथ यहाँ से लौटेंगे। यू विल बी अ विटनेस टू क्राइस्ट एनीवेयर, हम मसीह के लिए कहीं भी हम गवाह होकर जीवन बिता सकते हैं। यू कॉल जीसस एज लॉर्ड, जब यीशु को आप प्रभु करके पुकारेंगे, पावर इज कमिंग इनटू यू, आपके अंदर एक सामर्थ्य कार्य करेगा। पावर इज कमिंग इनटू यू, आपके अंदर एक सामर्थ्य कार्य करेगा। पावर टू मेक यू टू डाई एज अ मार्टिर, ये वो सामर्थ्य आपके जीवन को शहीद होकर बदल देगा। इफ यू रेडी टू डाई एज अ मार्टिर, यू कैन लिव लिव फॉर जीसस एनीवे। यदि आप मसीह के लिए शहीद होकर मरने के लिए तैयार है तो मसीह के लिए कहीं भी आप जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। सो व्हाट इज ही टेलिंग इन द 42nd वर्स? यहां 42वें वचन में क्या कहता है? Remember me, मुझे स्तुति दे। Remember me, मुझे स्तुति दे। That means save me, O Lord. इसका मतलब प्रभु मुझे उतार कर। Remember me means save me, Lord. प्रभु मुझे स्मरण कर, स्तुति ले, नहीं तो प्रभु मुझे उतार कर। What did Bartimaeus do? बतमियस ने क्या किया? He does call, O son of David, have mercy on me. उसने प्रभु क्यों पुकारा? दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। That is the truth that is hidden in these words, two words, remember me. यही वो सच्चाई है जो इस वचन के भीतर छुपा हुआ है। Oh Lord, remember me, Lord. हे प्रभु मुझे स्मरण कर। I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Remember me. मुझे स्मरण कर। Save me. उद्धार कर। डिलीवर मी, मुझे छुड़ा दे। आई एम अ सिक पर्सन, मैं एक बीमारी व्यक्ति। हील मी, मुझे चंगा कर। ओह द पावर ऑफ द गॉस्पेल विल सेट यू फ्री, वो परमेश्वर का सुसमाचार का सामर्थ आपको छुड़ाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, व्हाट इज ही टेलिंग, वो क्या कहता है? ही इज टेलिंग अंडर जीसस, व्हेन थाउ कम इन थाई किंगडम, जब तू अपने राज्य में आए। सो टू थिंग्स आर हिडन इन दिस, यहां दो बातों को हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला,
He is sure that Jesus will come out resurrection, will come out as a resurrected person. यहाँ ये कहने के लिए वो चाहता है कि यीशु मसीह वो जी उठकर आएगा. He believes in resurrection. वो इस बात को विश्वास करता है, पुनरुत्थान को विश्वास करता है. He believes that Jesus is not, even if he dies after death, he is going to resurrect. उसके अंदर ऐसा एक विश्वास है, यदि यीशु मसीह मर जाएगा तो भी वापस वो जी उठेगा. That is gospel. वही एक सुसमाचार है. He came into the world. वो संसार में आया. Died on the third, died on for the mankind, and on the third day he rose up. मानव जाति के लिए मरा और तीसरे दिन वो जी उठा. This thief believed that before he could resurrect. यीशु मसीह जी उठने के पहले ये चोर ने इस बात को विश्वास किया. And he had this understanding also that Jesus is going to come back with his kingdom. ये इसके अंदर ये भी समझ है कि जब वापस प्रभु आएगा वो अपने राज्य में भी आएगा. Yes, dear brother, dear sister. प्यारे भाई, प्यारे बहन. If this confession of this thief on the cross is found daily in our life, we are in the power of the gospel, we are in the power of God, we can be ready for the coming of the Lord. यदि ये इकरार जिस जो चोर के अंदर पाया गया, ये इकरार हमारे अंदर पाए जाने पर यीशु समाचार का सामर्थ हमारे अंदर कार्य करेगा. By saying that if thou come, remember me when they come in the kingdom. जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण कर ऐसे बोलकर. How Jesus rose up from the dead. जब यीशु मसीह जी उठा. How Jesus rose up from the dead. कैसा यीशु मसीह जी उठा. Jesus rose up from the dead by the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह मृत्यु शरीर से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जी उठा है. By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जी उठा. He believes in the receiving of the Holy Spirit. उसने ये भी विश्वास किया पवित्र आत्मा के द्वारा. He believes in the receiving of Holy Spirit and the power that is working in the Holy Spirit. उसने ये विश्वास करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्राप्त करने वाला अनुभव. This evening, इस शाम के समय. If you believe in the Jesus, यदि आप यीशु को विश्वास करते हो. Who is Jesus? यीशु कौन है? He is the resurrected one. वो जिलाया गया हुआ. He is the one who rose up from the dead. वो मृत्यु से जिलाया गया. He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. मरा हुआ अवस्था से पवित्र आत्मा के द्वारा वो जिलाया गया. How do we preach? हम क्या प्रचार करते हैं? We don't preach with our own wisdom. हम अपने बुद्धि से नहीं प्रचार करते हैं. We are not gone from some colleges and studied and preaching things. हम कोई विद्यालय में पढ़कर ये बातों को प्रचार नहीं करते हैं. By the power of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा. The gospel is coming to you by the power of the Holy Spirit. ये सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके पास पहुंचा है. If you believe this. यदि आप इसको विश्वास करते हैं. As you receive this gospel. जैसे आप ये सुसमाचार को ग्रहण करोगे. If you have been anointed by the Holy Spirit. यदि आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को जगह देंगे. You will be anointed by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए जाओगे. When Peter was preaching, जब पत्रस प्रचार करता. Cornelius' house, nobody knows about Holy Spirit. Cornelius के घर में कोई पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था. As Peter was preaching, जब पत्रस प्रचार कर रहा. Holy Spirit fell upon the whole household. ये परिवार के हरेक को पवित्र आत्मा उतर आया. This evening, इस शाम के समय. The power of God is working here. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में काम कर रहा है. If you believe, यदि आप विश्वास करोगे. Oh, the power of the Holy Spirit can come upon you. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर नियंत्रण करेगा. Holy Spirit will descend into you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा. You will be quickened by the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए जाओगे. And the word of God says, क्या परमेश्वर का वचन कहता है? Anointing will break every yoke. अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा. Every yoke will be broken by the anointing. हर एक जुआ अभिषेक के द्वारा तोड़ दिया जाएगा. There is power in His name. यही उसके नाम से सामर्थ्य. There is power in His word. उसके वचन से एक सामर्थ है. There is power in His stripes. उसके कोड़े काने से एक सामर्थ है. There is power in His blood. उसके लहू से एक सामर्थ है. There is power in His anointing. उसके अभिषेक से एक सामर्थ है. The power of God is present here. उसका सामर्थ हमारे बीच में है. Deliverance will take place. अद्भुत छुटकारा है. You cannot go back as you came. आप जैसे आए वैसे नहीं लौटोगे. Believe the gospel. यीशु समाचार को विश्वास कीजिए. Believe the gospel. यीशु समाचार को विश्वास कीजिए. Jesus is the power of God. यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ है. Gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है. Word of God is the power of God. परमेश्वर का वचन प्रभु का सामर्थ है. And you receive the word of God. जब परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करते हैं. You receive the gospel. आप यीशु समाचार को ग्रहण करते हैं. As you receive Jesus. जैसे आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं. Holy Spirit will work in you. पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा. You will be set free. आप छुटकारा पाओगे. You will not go back as you came. आप जैसे आए वैसे नहीं लौटोगे. Sorrows will roll away. Sorrows will roll away. आपका दुख निकाल दिया जाएगा. Burdens will be removed. सारे दुख चला जाएगा. Sickness
sickness will be healed. आपके बीमारी चंगा हो जाएगा. Problems will be solved. आपके हर एक समस्या. Crisis will be solved. हमारे हर एक समस्या हल हो जाएगा. Jesus is here. हमारे यीशु मसीह हमारे बीच में. Word of God is here. हमारे प्रभु का वचन हमारे बीच. Gospel is here. सुसमाचार हमारे बीच में. Accept the gospel. ये सुसमाचार को ग्रहण कीजिए. The Lord is here. हमारे यीशु मसीह हमारे बीच. Lord help us. प्रभु हमें मदद करे. बहुमूल्य लहू से छुटकारा ही दिया. पानी की मद से हमें मोलिया. बहुमूल्य लहू से छुटकारा ही दिया. पानी की मद से हमें मोलिया. Thank you.
हमारे स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु तू हमें प्रेम करके यहाँ पे प्रभु एक कन्वेंशन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम लोग आके सब मिलके खुशी मनाने के लिए तूने सहायता किया। हमारा पहले दिन का मीटिंग को तूने बोझ उठाया, चलाया, अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर है, तेरी भलाइयों को याद करने के लिए हम कुछ नहीं है प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हर समय तेरा अनुग्रह पाके खुदावंद, तेरी सेवा करने के लिए तूने हमें कृपा दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। हमारा गीत की सेवा को आशीष किया प्रभु जी, गवाही को जिंदा को दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। और भी प्रभु तेरे लिए जिंदा गुवाओं को खड़ा करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। तेरे दास के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। सच में प्रभु इन दिनों में हमें एक स्वस्थ होकर बदलने के लिए तो हमें सहायता करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। तेरे सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार हुआ करके खुदावंद, तेरे सुसमाचार के द्वारा खुदावंद तूने हमें शांति दिया, तेरे सुसमाचार के द्वारा खुदावंद हमें चंगाई दिया खुदावंद। सचमुच खुदावंद हम कई बार बीमार कमजोर कष्ट में होने से भी तेरा अनुग्रह दे के हमें चंगाई देता है प्रभु। हर समय तेरा अनुग्रह पाके शांति पाके तेरे साथ चलने के लिए तू सहायता करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। जिन बातों को हमने ध्यान किया सुना है खुदा, उसके मुताबिक जीवन बिताने के लिए हमारे एक को तू सहायता करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष करके खुदावंद जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हैं, हर एक को तूने अनुग्रह दिया, आशीष किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। जितने लोग बीमारी से कमजोरी से कष्ट के साथ तेरे सरमुख में आए प्रभु जी, तूने छुआ उनको चंगाई दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदावंद प्रभु जी। इन दिनों में और भी खुदावंद जो लोग कष्ट में दुख में निराशा में है प्रभु, उन सबको शांति देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदा। शांति का परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी, सच में जिन दिनों में खुदावंद हर एक लोगों को शांति तसल्ली दे के चलाने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। जब तेरे लोग जाते हैं खुदावंद, तेरी हुजूरी हर एक के साथ रहने के लिए सहायता कर खुदावंद प्रभु। हम जानते तेरे आने का समय नजदीक है, हर दिन तेरी आमद की बाढ़ जोते रहने के लिए सहायता कर। हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते हैं, पवित्र कर तेरे राज्य के लिए तैयार कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता और यीशु का प्रेम होता है सबसे हमारे ससर पुत्रों के संतों के साथ यीशु मसीह का आगमन तक सदा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया।